बहुत मजेदार चीज हुई है। क्या तुमने जो ट्रिक बताया था ना सेम वैसे ही किया। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 5:53 ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और नहाना छोड़ दो, सिर्फ मुंह धोना था मुझे, उसके लिए चाहिए मुझे गर्म पानी, ठंडा पानी से बिल्कुल हिम्मत नहीं है यहाँ पे मुझे मुंह धोने की। सूरज उग रहा है, देखो यहाँ से सनराइज हो रहा है। अरे हो गया आपका? जी भैया मैं ले लूँ अभी। हाँ ले लो, थोड़ा और पानी लगेगा। आज मुझे ना बहुत अच्छी नींद आई है, जब से मैं लद्दाख आया हूँ उसके बाद सबसे अच्छी नींद आज ही आई है मेरे को। यहाँ से आता है गर्म पानी, गर्म पानी हमारे हाथ में, मुंह धोएंगे, अब काफी बेहतर है, अब आपका मैं इसके मचाएगा। आधे मग पानी से मुंह धोया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, चाय के साथ तुम्हारी गुड मॉर्निंग हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। लवाई चाय की चुस्की लेते हैं, फ्रेश लग रहा है आज मुझे, काफी बढ़िया लग रहा है, बस ऐसे ही रहे, ले पहुंचने तक ऐसे ही रहे। सुबह इतना फ्रेश कैसे फील कर लेते हो? रात को जल्दी सो गया था मैं, अभी विटामिन डी ले रहा, देख रहे खिड़की से। तीखा मीठा ही है। चलो फिर व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमसलम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। तुम लोग MSK तुम लोगों ने नहीं बुलाया यार, टाइम पे सोचो तीन अलग अलग बोलेंगे। सुबह सुबह अपन ने अपनी ये नई जैकेट पहन लिया, अपने जॉर्डन के शूज भी तैयार है, बट साथ में चलने को लोग कोई नहीं है। जॉर्डन के शूज तो दिखा, ये ले। क्या बात है, सही लग रहा है, रंगी लगा है इसके। तो तैयार बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो चलते हैं, मतलब चलेंगे ना। हाँ बिल्कुल चलेंगे, धूप ज्यादा तेज होएगा तो मजा नहीं आएगा फोटो क्लिक करने में। इमरान भाई की रात को तबीयत ठीक नहीं थी, कान में पेन था, कान वाला तो पहले से ही है ना। हाँ, बट कल ज्यादा हो गया था वो, नींद भी ठीक से आई नहीं है। लेग साइड पर बढ़िया सा फोटो शूट कर लिया, कल ही निपटा दिया ना। हाँ, अपना कोटा पूरा हो गया। इमरान भाई को अपने इन्फ्लुएंसर बना दिया, कल करे फोटो होगी। अब ऐसा करो मेरी रील ले लो थोड़ा स्लो मोशन में, तो मैं भी अपना कोटा पूरा करके आ जाता हूँ। देखो अपन ने पहना है जॉर्डन शूज और ये गियर शिफ्टर से खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको पहना देंगे सॉक्स। ठीक है, आ जा बैठ जा मेरे पीछे। सुबह के बज रहे हैं 7:53, तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस और धूप थोड़ी तीखी है लेकिन अच्छा है, जैसे कोई शेड में जा रहे हैं फिर से ठंड लगती है। बहुत आड़। ये है ब्लू पैंगोंग लेक और ये है मेरी ब्लू टाइगर, इसका काम हो गया, इसको हम रखते हैं। क्या बात है, पैंगोंग लेक, मतलब कल तुम लोग यहाँ पर आए थे, तुम लोग फील लेके गए, बहुत ही स्पेशल फील है यार। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते मैंने टाइगर गिराई और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते लोगों को माउंटेन सीकनेस हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद सारा दुख दर्द निकल जाता है। जैसी तेरी बाइक के पास खड़ा होना मेरे को फील हुआ, वो जो हम हमेशा देखने आते ना, ब्लू ब्लू ब्लू, आसमान ब्लू है, टाइगर ब्लू है, पानी ब्लू है, इसके BMW ब्लू है, ये भी ब्लू है, तू भी ब्लू है, सब ब्लू है, मैं अंदर से ब्लू, बट वर्थ है यहाँ पर आना यार। मतलब इतनी तकलीफ करके आते हैं और ये चीज जब दिखती है ना तो फिर मजा आ जाता है। जैसे एंटर भी करते हैं ना लेक और पानी दिखना शुरू हो तब लगता है फील आ गया, तो पहले जला के दिखती है ना वही मजा आता है, वहीं से सारी टायर्डनेस खत्म हो जाती है। मेरे को पहले लगा है साफ पानी पी सकते हैं लेकिन ये सॉल्टी वाटर है ना, तूने ट्राई किया कभी? मतलब ऐसे चक्के तो थोड़ा सकता था। और भाई पहली बार आयो पैंगोंग लेक? हां हां, पानी पी के देखो जरा। तेरे को कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, इतना ब्लू पानी आज तक नहीं देखा मुंबई में, ब्लू समंदर कभी जिंदगी में देखने मिला अपने को? व्हाइट पानी रहता, व्हाइट भी नहीं है भाई, मिट्टी वाला पानी रहता है, कचरा ऐसे बाहर तुम्हारे कौन सा ब्लू। हम ऐसे मुंबई की बुराई नहीं कर रहे लेकिन ये फैक्ट है, हमने कभी ब्लू वाटर देखा ही नहीं वहां पर। नहीं भाई सॉल्टी है लेकिन उतना नहीं है पानी, मेरा चोट है। मैं गाड़ी यहाँ फंस ना जाए, फोटो वोटो खिंचा लिए, काफ़ी फोटो खिंचा यार, मज़ा आया। गाड़ी ठंडी हो गई है, वह चलो वह चलो चलो चलो। मैडम पूनम, अपनी जो पब्लिक है वो तरस रही है आपके मुंह से वो दो शब्द सुनने को, प्लीज। वो तो पहले दिन ही सुन लिए थे ना, हर व्लॉग में सुनने को चाहिए उनको। तो कैसे हो? कैसे हो? कहाँ गए थे तुम लोग सुबह से? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी, यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन गुड मी। ठीक है, हम लोग सुबह से गए थे फोटोज खिंचाने के लिए पैंगोंग लेक का मजा लेने के लिए, नजदीक से करीब से देखने के लिए ब्यूटी को, क्योंकि ये दूर से जितना खूबसूरत लगती है पास से उतना ज्यादा लगती है, और वो चीज तुमने मिस कर दी? नहीं बिल्कुल नहीं मिस की। क्यों? मैं यहाँ पे धूप खा रही थी, पेट भरा नहीं। ले ब्रेकफास्ट खा ले पहले, बाद में खा लेना धूप। ठीक है सत्या, मेरा भी जुगाड़ कर देगा क्या? मेरा दोस्त है ना, मुंह धोया क्या सुबह?
हाँ हाँ बिल्कुल, फोटो खींचने के लिए तो मुंह धोना पड़ेगा ना। ऐसे जमे नहीं तुम लोग की चमड़ी वमड़ी कुछ हुआ नहीं? दो पराठे धोना तेरे को? मुझे तो लगा था मौत होगी आज ठंडे पानी से। होता है कभी? मैंने सुबह सुबह गर्म पानी से मुंह धोया। क्या बोला, क्या बोल क्या रहा जिंदगी में? मैंने उसको बोला एक पराठा दे दे, मेरे को जब तू 6 ऑमलेट खा लेता है तो 2 पराठे नहीं खा पाएगा। फिर मैंने दे दे यार कोई दिक्कत नहीं है, भाई के लिए 2 पराठे भी खा लूंगा। चाय आ गई, चाय। पहली बार सत्या को कुछ काम करते हुए ये चाय की चुस्की जब भी मारती है इसकी फुसकी हो जाती है, इसलिए चाय की चुस्की ये मारती नहीं है। लेकिन जब तक हम इस ट्रिप पे है हम चाय का सुड़का मार रहे हैं। तो चल चल चाय का सुड़का मार ले, चल फटाफट अभी। नहीं चलती का मैं मार लेता, सुबह से 2-3 चाय तो पी लिए। जाना किधर है? नीचे के ऊपर? ऊपर अभी कैसे आऊं? अभी तो मुश्किल हो गया। उतर जा, तू उतर जा। बस 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 करो, निकलता हूँ। बताओ तो इतना टफ हो जाता है? वो जो आप जगह देख रहे हैं वहां पर ज्यादातर लोग जाते हैं। दुबई वाला रेत है, बट ये जो रेत है और ये जो टेरेन है दुबई से काफी बेहतर है। ये देखना बहुत बारीक है, बहुत बारीक होता है। तांगसे जगह का नाम है तांगसे। अरविंद भाई इधर आओ ना, बहुत मजेदार चीज हुई है। क्या हुई? तुमने जो ट्रिक बताया था ना सेम वैसे ही किया। साफ बोला? अरे वो नहीं, अगर कोई साइड नहीं दे रहा तो हेडलाइट ऑन कर दो, अपना बाहर लाइट ऑन कर दो। वो ऑन करके रखा अपने आप, साइड एक भी हॉर्न नहीं मारा मैंने, अपने आप दिया। वो राइट इंडिकेटर देंगे और साइड में हो जाएंगे और हम निकल लेंगे। अच्छे बोला उस्ताद होगा ना, वो भी साइड में हो जाएगा उस टाइम पे। यहाँ हम लोग रुके, परमिट को चेक करवाने के लिए, आउट करवाना पड़ता, आउट करवाने इन करने के लिए भी करना पड़ता है, आउट करने के लिए करना पड़ता है, सेफ्टी हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि उनको पता रहे कि हम यहाँ से चले जा चुके हैं। कुछ कुछ मंगाया कि नहीं मंगाया? ये लड़की ठीक है, तू ऑल गुड। ग्लव्स घूम गया, हाथ ही उठाया था एक्चुअली। क्या बात है, बार बार फोन निकालना पड़ता है ना। देखना आपने उठाया, आपसे भी रो मैंने नहीं कभी उठाया था, इन्होंने उठाया जब नीचे गिर गया तभी। देखा नहीं घुमा तेरा, मेरे को ऐसा लगता है कितना सच है कितना झूठा पता नहीं। लड़कियों के पास जितना भी सामान होता है सब गिफ्ट होता है। ये गिफ्ट नहीं, ये मांगा हुआ मेरी बहन का है। हां देखा देखा, सच्चाई सामने आ गई। ठीक है भाई तू एकदम एकदम ठीक। कल ये बैठा था हमारे नवीन भाई के बाइक के पीछे, और नवीन भाई हमारे रैली रेसर है। इधर आ, समझो बाइक की सीट यहाँ थी ना, ये हमेशा यहाँ होता था हवा में। ये सीट पे नहीं था, हवा में होता था ये। मैं वैसे भी सीट पे था ही नहीं, जो सीट के पीछे हैंडल था ना पकड़ने का ग्रैब रेल, मैं उसके ऊपर बैठा था, उसके और सीट के बीच में मैं टिका हुआ था। उसमें भी खड्डा आ रहे सीधा मुंबई से फिर वापस नीचे, मुंबई नीचे फ्लाइट हो रही थी। एंगल सीट से आता नहीं है यार। सुबह सुबह जब निकले थे तभी ये नवीन भाई के बाइक के पीछे ही थे, उसके बाद बाइक चेंज हो गई, और जब मैं इसको देखा इसने मेरे कट मार के निकला, और फिर मैंने आर्य को पीछे देखा तो पहले आर्य यहाँ था वो ऊपर हो गया। अभी तो मेरे को ऐसा लगा कि बोलेगा भाई चलिए मैं मेरी टिकट करवाता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ऐसा मन में क्या लाया था? हाँ अरे अभी भी आ रहा है ये दर्द में मजा है टाइप का। देख क्या बोल रहा है लड़का, दर्द में मजा है, प्लेजर इन पेन। लेजर ले रहा तू अब। चले वीरे खींच गड्डी, कुछ ऐसा कर जो कार्टून नाम है। हाँ ठीक है। जट का एक ही पोज रहता ना ऐसे, जट के पास एक पोज, कितना पोज है तेरे पास? तीन पोज, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला और एक ऐसे वाला, एक ऐसे और एक नॉर्मल और एक ऐसे कभी कभी, लेकिन ये ज्यादा रहता है। चल देखो जी, ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग ले वापस जा रहे हैं, लेकिन वही सेम रूट लेके नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी खारदुंगला वाला रास्ते से, तो यहाँ दुर्बुक आएगा, वहाँ से फिर हमको राइट कटना है, फिर आगे का रास्ता मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा था कि पिलियन बिठा के मैं राइट ठीक से कर नहीं पाऊँगा, तो जहाँ जहाँ पर रुकिए, जहाँ जहाँ पर ऑफ रोड आ जाता है ना वहाँ वहाँ पर थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन ऑफ रोड में भी ऐसा है कि जो गंदे वाले ऑफ रोड होते हैं उसमें तकलीफ है, बाकी सब बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसे टारमैक रोड मिले ना तो कोई टेंशन होने वाला नहीं है। टारमैक रोड पे फील भी नहीं होता कि कोई पीछे बैठा हुआ है, ऐसे अगर टारमैक रोड मिल गया ना तो ये फील भी नहीं होता कि पीछे कोई बैठा है। लेकिन वही है कि मैं पहले से ही प्रेफर करता हूँ कि अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो पैनेज निकाल दो, टॉप बॉक्स निकाल दो, फ्री होके करो। तो कल जब गाड़ी गिरी थी ना उस टाइम पे पूनम बैठी नहीं थी, तो मैं वो रीज़न दे नहीं सकता कि यू नो पिलियन बढ़ाने के बाद मेरे को कंफर्टेबल होता है। और बेसिकली वजन रख के मैं बाइक चलाना मतलब ऑफ रोडिंग पे कंफर्टेबल नहीं होता है, 100 बात की एक बात।
कितना सुंदर रोड है यार ये, मतलब रोड थोड़ा खतरनाक दिख रहा है लेकिन बाजू में यहाँ पर नदी जा रही है। एंड आप देखो टेरेन देखो यहाँ का, आंखों को बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ना सिर्फ पहाड़ है, नदी भी है, फूल भी है, पत्ते भी है, ग्रीनरी भी है। ऐसे रोड पे राइड करने को ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप एक सीनरी भी देखते हो और राइड भी होती रहती है। यहाँ ना रोड बहुत नैरो हो गया है, ऐसा ना डेंजरस भी लग रहा है देख के। सामने देखो ना लोग कितना फ्रेंडली है यहाँ पर। अपने नवीन भाई सेम वही ट्रिक अपना रहे हैं क्योंकि वो ब्लैक स्कॉर्पियो वाला हमें जगह नहीं दे रहा जाने के लिए। मैं भी लगाता हूँ हेडलाइट ऑन करते, लाइट ऑन करते, लाइट। नवीन भाई तो निकल गए, अभी हमारी बारी है। चलो निकल गए। जब वाटर क्रॉसिंग करते हैं और रास्ता दिखता नहीं है ना, अगर वाटर क्लियर है ना तो इजीली हो जाता है, लेकिन वाटर अगर जैसे मिट्टी का पानी हो तो थोड़ा ना समझ में नहीं आता है, अंदाजा नहीं मिल पाता है। अलग ही है यार, शिंगे फुल ऑन मचा रहा है, पूरा अलग ही दिख रहा है सब। अभी हर 5-5, 10-10 किलोमीटर बाद पूरा टेरेन चेंज हो जाता है यार। मैं अपने आपको रोक ही नहीं पाता शूट करने से, बहुत बार मन करता है कि यहाँ रुक जाऊँ और एक फोटो खिंचा लूँ, लेकिन क्या इतने सारे राइडर्स हैं, टाइम पे भी रहना जरूरी है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है जाने देते यार, हो गया फोटो बहुत खींच लिया। हाँ लड़की क्या कह रही है, बारिश हो रही है, मजा आ रहा है भाई। तुम्हारा हेलमेट बड़ा अच्छा लगा मेरे को यार, ये साइड ले ले, साइड ले ले। ये कोई वैली है, वैली लग रही है ना, पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता जाता है उसको वैली कहते हैं, तो कोई वैली है यहाँ पर, बड़ी खूबसूरत और डरावनी भी है। यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लिए थे, ब्रेक खत्म, चलो तो बढ़िया है यहाँ पर। नवीन भाई अपने साथ पानी कैरी कर रहे हैं, मैं कैरी कर रहा हूँ ये, इसको हम बोल बोल के थक गया कि यार एक बॉटल तो कैरी कर लिया कर, और फिर बार बार हमें यही करना पड़ता है। इस ट्रिप में कितनी बार कर चुका हूँ ये, पर देखना चाहते हो क्या करते हैं। डूब के मर जाओ, इतना दे रहा है तो चुल्लू और पानी दिया। बारिश करूं सारे मिल के मेरे को पागल बना रहे हैं। नवीन भाई अब तक हम आधे रास्ते तो पहुंच गए होंगे जी, ठीक है फिर तो फिर ठीक है, आधा रास्ता और बचा है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना इस व्लॉग को यहीं एंड कर दे। बिल्कुल, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर सकते, नहीं अच्छा लगा है तो भी लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। जानी आज ठीक है, आज कोई सांसों की बात नहीं करेंगे, कोई ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, नहीं देखो बातों बातों में ही थोड़ा सा भी बात करते ना सांस फूलने लगती है, वो नॉर्मल बात है यहाँ पर, वो सबके साथ होता है, तो कितना भी बड़ा चीता क्यों ना। ओके तो उधर क्यों चलेगी, तेरे बाल भी तो अच्छे हैं, इधर आ जा बेटा, इसको हमेशा कैमरे में आने से पहले मेरे बाल ठीक है तेरे बाल ओके। अगर ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी सब बिल्कुल एकदम बढ़िया। थैंक यू पार्ट बड़े आलसी को सुना श्लोक बड़े कर खुदा हाफिज़ ले विल आई लिव इट फिर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, पूनम ने मना किया मैंने तेरे को कहा था मैं तेरे को बताऊंगी तो मैं बोल तेरे